सब जड़ गए और वो किराएदार एनेट थे, तो उनको आज जब ये तो बुलाए कर्नाटक के, तो प्लेटफार्म से एडवांस के तौर पर जो रकम दी जाएगी जो आपके सामने बता देंगे। इस मजलिस के इब्तदा के लिए मैं हाफिज अरशद साहब जो मैसूर के जनरल सेक्रेटरी हैं और नायब सदर है कर्नाटक के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि बहुत असर आए थे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. सबसे पहले हम इस मस्जिद के जो सदर साहब हैं आरिफुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया। खवातीन और हजरात, आप जानते हैं कि ये जबरदस्त और जमीयत उलमाए की जो शाह रियासती यूनिट है जमीयत उलमाए कर्नाटक की, तमाम जिम्मेदारी हम तशरीफ फरमा है। हम तमाम के लिए सआदतमंदी और मुझी खुशी और मुसर्रत की बात है कि आज इंडिया के जनरल सेक्रेटरी नाज़िम उमूमी फ़ाल मुतहर्रिक सरगर्म आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना मासूम सादिक साहब अहमद मिर्ज़ा हूँ, जो काफ़ी दर्द रखते हैं, हमदर्द कौम भी है, कायद मिलत भी है और दो तीन दिन से जो आप दिलीप के लिए काम कर रहे हैं तो हमें एहसास हुआ कि कब खाले गरीबा भी है। तो इनके हुक्म के मुताबिक जो हजरात बारिश के कहर से मुतासर होकर अपने दर दरवाजा और बर्बादी के दहाने में हैं, तो उसमें वो हजरात जिनके पास खास घर नहीं थे, वो किराए पे रहते थे यानी टेनेंट थे, अजीब थे, तो उनको एडवांस के लिए जो हजरत अपने हाथ से चेक पेश करेंगे। और यहाँ जो हजरत मौला अब्दुल रहीम साहब सदर दफ्तर बाय कर्नाटक और जनरल सेक्रेटरी हजरत मौला अमीन साहब और बेंगलोर के सदर हजरत मौलाना सलाहुद्दीन कासमी साहब और मैसूर के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना अरशद साहब और नायब सदर डॉक्टर हाफिज आसिफ साहब और मौलाना आलम साहब नायब सदर बेंगलोर और दीगर अराकीन और फुरकान हयात साहब और डॉक्टर नसीम साहब, अब हमारे मुतहद्दिक इम्तियाज अहमद साहब चिश्ती उल कादरी और हमारे इमाम साहब जो यहाँ के हो और मौलाना और मुजाहिद साहब और हमारे मुजाहिद साहब है और साहब जो हमारे मुंशी और जितने हजरात हैं बर्तन बर्तन तो मैं नाम तकरीबन ले चुका हूँ, अगर छूट गया हो तो वो भी शामिल। तो देखिए जब हम तमाम मिलकर सबसे पहले हम हदीय इतना तशक्कुर का बेहतरीन गुज़स्ता हमारे नाज़िम उमूमी जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना आरिफुल्ला मासूम साफी साहब की खिदमत मुबारक में पेश करते हैं कि वो तशरीफ लाए और तीन दिन से इस खामो काज में लगे हुए हैं। और हजरत ने बताया कि भाई अभी तो जनरल सेक्रेटरी हैं कर्नाटक के, तीन दिन से जो है घरदार छोड़कर हम उनके घर पे पड़ाव डाल रहे हैं और उसके अलावा आजम साहब और सलाहुद्दीन साहब हमारे सदर मोहतरम जनाब अब्दुल रहीम साहब, हम सदर समाज से गुजारिश करते हैं कि कुछ पक् नसीहत कर दें उसके बाद तस्लीम आपका। ये
ये 25,000 रुपए की चेक है, आप इसे उधर के एडवांस में दे दीजिएगा और अपना घर किराए पर ले लीजिएगा। जमीन तुलबा आपको बाद में महीना दो महीने का किराया भी देगी। आपके शहर की रिपोर्ट उन्होंने यहाँ के जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दिया कि पहुँच के मजदूरों की मदद करो। हजरत के हुक्म से 25,000 रुपए का चेक आपको दिया जा रहा है आपके अकाउंट में। आपकी तफसीलात भी हम लोगों ने मालूम किया, इसके बाद महीना दो महीना 3 महीने किराया भी आपको देंगे। आप ले लें और दुआ करें जो लोग वास्ता बने उनकी भी शुक्रिया। बैठ जाओ लेकर आपके लिए लिए 25,000 रुपए का ये चेक दिया जा रहा है आपके अकाउंट नंबर के साथ। आप इसको ले लें, आप इसे ले लें और घर के एडवांस में दे दें। जब तुलमा कर्नाटक उसके बाद आपको 2 महीने का किराया भी देंगे। आप यहाँ के जिम्मेदारों से मौला अब्दुल रज्जाक साहब से, डॉक्टर आसिफ साहब, यहाँ के इमाम साहब से राबता रखें, कैफियत अपनी बताते हैं। अल्लाह तआला कहो बोलो बिना बीबी आयशा हो बीबी आयशा इधर चल जा बोला आजा इधर चल जा इधर इधर से आ जाओ नहीं नहीं उधर वो देरी ना आप ही ना बीबी आयशा है ठीक है आपका घर भी डूब गया तो आप किराए पर अल्लाह ताला आपकी मुसीबत दूर करे। मौलाना अरशद साहब को आपकी तफसीलात भेजी गई थी, हजरत ने जब तक कर्नाटक को हुक्म दिया कि आपके मकान का एडवांस 25,000 आपको दे दिया जाए, उसके बाद 2-3 महीने का किराया भी आपको दिया जाएगा। आप यहाँ के इमाम साहब को कैफियत अपनी बताते रहे, मौलाना अब्दुल रज्जाक साहब हमारी ऑफिस में जब करूँगा उनको बताते रहे और यहाँ के जिम्मेदार अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपकी मुसीबत। क्या नाम है आपका? उधर जफरुल्लाह के आप शोहर हैं, वो नहीं आ सकेंगे ठीक है। आपका मकान नहीं खास, आप किराए पड़ते हैं। ये कैफियत जिसकी भेजी गई थी मौलाना अरशद साहब ने हुक्म दिया जब तुलबा कर्नाटक को कि आपके नए मकान के लिए एडवांस की रकम 25,000 दे दें, वो आपके बीवी के अकाउंट के लिए चेक दे दिया गया। आप मकान ले लें, 2-3 महीने का किराया भी उसके बाद आपको दिया जाएगा। अल्लाह ताला का बोलना पहले अल्लाह ताला अच्छा आपके भी घर की कैफियत हजरत को बताई गई थी दिल्ली में कि आपका खास मकान नहीं है, आप मजदूरी करती हैं, वो मकान खराब हो गया है, आपको नया मकान एडवांस लेने के लिए एडवांस की रकम चाहिए और महीने दो महीने किराया चाहिए। हजरत मौलाना अरशद साहब के हुक्म से कर्नाटक के जिम्मेदारान ने ये पैसे का इंतजाम किया है, आप ले लीजिए आपके अकाउंट में है। आप लेने के बाद घर लेने के बाद भी यहाँ के इमाम साहब से या मस्जिद के जिम्मेदारों से मौलाना अब्दुल रज्जाक साहब से राबता रखिएगा तो आपको 2-3 महीने का किराया भी हम लोग मदद करेंगे। ये पहले जो आपके शौहर का अकाउंट नंबर आप भी मजदूरी करती है रेशम की फैक्ट्री में, खराब कभी खत्म हो गया हमारे सर्वे में आपका नाम आपका मकान और कैफियत आया। हजरत मौलाना अरशद साहब दाम वगातुम का हुक्म था कि आपको नए मकान के लिए एडवांस की रकम 25,000 दे दी जाए, ये आपके चेक में दे दी जा रही है आपके अकाउंट में। आप घर ले लें और उस घर में शिफ्ट हो जाए, 2-3 महीने का किराया भी उसके बाद दिया जाएगा। शर्त है कि आप यहाँ के इमाम साहब से मौलाना अब्दुल रज्जाक से और जमीयत के लोगों से ताल्लुक रख के बताएं, कैफियत सुनाते रहें, इंशाल्लाह हम 2-3 महीने की किराए की मदद भी करेंगे। आपके नाम का अकाउंट है बैंक में, आप भी रेशम के धागे काम करते, आपका मकान भी डूब गया है जी। ये 25,000 रुपए आपको हजरत मौलाना अरशद साहब के हुक्म से दिए जा रहे हैं, आप उसको ले करके कैश करके बैंक से एडवांस दे दीजिए घर का और अपना घर ले लीजिए।
वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप वहाँ पहुंच जाती है दो तीन महीने किराया भी उसके बाद आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह। आप यहाँ के जिम्मेदारों को कैफियत बताती रहेंगे। पहले इसको निपटा दे उमेरा बेगम आमा उमेरा आपका मकान भी डूब गया था। आपका खास मकान नहीं है, किराए का मकान। आपके घर में मर्द नहीं है खिदमत करने वाले, मर्द नहीं आपके घर में। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। सर्वे में आपका मकान लिखा गया कि आपका मकान खत्म हो गया डूब के, आप किराए बढ़ती, अब नया मकान लेने के लिए आपको एडवांस की जरूरत है। ये 25,000 रुपए आपको बैंक में दिए जा रहे हैं चेक की शक्ल में, जमे गुरमा कर्नाटक की तरफ से। आप इसे बैंक से निकाल करके घर का एडवांस दे दें, उसके बाद अपने घर में शिफ्ट हो जाए। यहाँ मस्जिद के इमाम साहब से, ये मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब से, उसके बाद कैफियत बताते रहिए। इंशाअल्लाह दो तीन महीने के किराए की मदद भी आपकी कर दी जाएगी, तब तक आपका काम शुरू हो जाएगा। ये दे दीजिए अल्लाह ताला का दुआ करो। ये अकाउंट में डालना चेक कर। आयशा बानो, आयशा बानो मेरा बारिश के बाद आयशा बन जाता है। तभी आपके घर का भी यही हालत, कोई कमाने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजर बसर होता है। अल्लाह इस मुसीबत से निजात दे। हमने सर्वे कराया था जमीयतुल्लाह की तरफ से, हजरत मौलाना अरशद साहब के हुक्म से, उसमें ये निकला कि आपको मकान के एडवांस की जरूरत है। 25,000 रुपए आपको चेक की शक्ल में दिए जा रहे हैं। आप इसको खर्च कर लें, एडवांस दे दें, मकान ले लें, उसके बाद दो तीन महीने का आपको किराया दिया जाएगा। अगर और भी ऐसा कोई मुस्तहिक है तो आप उसके बारे में यहाँ के इमाम साहब को बता सकते हैं। जमीयतुल्लाह ने फैसला किया है कि जिसको भी जरूरत होगी आप एडवांस की रकम देने की कोशिश करेंगे। सुमैया आपका क्या काम है? अजीब आप क्या काम करते हैं? बिल्डिंग का काम। तो आपका बैंक अकाउंट नहीं है, बीवी ने अब तक किराए के मकान में थे वो खत्म हो गया, ठीक है। तो बीवी के अकाउंट पर 25,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं ये चेक की शक्ल में, इसलिए लो। आप इसका दे करके एडवांस घर किराए का ले लो, कहीं मुनासिब जगह ले लो, इस नाले के किनारे मत लो जहाँ एक मरतबा डूब चुके परेशान हो चुके, हजारों का नुकसान हो चुका, वहां मत लो। सेफ जगह कहीं ले लो, यहाँ के जिम्मेदारों को बताते रहो, दो तीन महीने का किराया भी जमीयतुल्लाह की तरफ से आपको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आप रब्ता रखो। क्या नाम है आपका? शाहिना ताज। कौन होना आपको? आप जरा पीछे, आपका बैंक अकाउंट नहीं है। आप बीवी, आप क्या काम करते हैं? गैरेज में काम करते हैं। आपका मकान किराए का था, पूरा खत्म हो गया, पूरे की तलाफी तो कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग भी आ रहे हैं कुछ आपकी मदद करके जा रहे होंगे। हजरत मौलाना अरशद साहब को इन जिम्मेदारों ने बताया था और हजरत ने फरमाया कि जिनको मकान लेना है एडवांस की रकम जमीयतुल्लाह की तरफ से दे दो। मौलाना अरशद साहब के कहने से आपकी बीवी के अकाउंट में 25,000 रुपए ये जमा किए जा रहे हैं, आप निकाल के एडवांस दे करके ले लो घर, और उसके बाद फिर आप ना रखो, दो तीन महीने का किराया भी आपको दिया जाएगा जब तक आपकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, नुसरत करे। नसरीन ताज। आपके घर में कोई मर्द नहीं, खाला जान कोई भी नहीं, आप खुद ही अपनी कमाई करके गुजारा करती हैं। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, नुसरत करे। आप सबके लिए दुआ कीजिए, आप उस उम्र में परेशान है, तकलीफ में है। आप यहाँ घरों का एडवांस 20-25-15 हजार मशहूर है। सबसे बड़ी इत्तला जो हमको मिली कि 25,000 में मुनासिब घर मिल जाता है सलाम इलाके में, तो 25,000 एडवांस की रकम का चेक आपके अकाउंट के लिए जमीयतुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। आप इसे खर्च कर लें, घर ले लें, उसके बाद भी यहाँ के इमाम साहब को हालात बताती रहे, इंशाल्लाह दो तीन महीने का किराया भी आपको दिया जाएगा। हजरत मौलाना अरशद साहब के लिए दुआ करें और कर्नाटक के जमीयतुल्लाह के जिम्मेदारों के लिए आप दुआ करें। नेक खातून है, बहुत मजबूरी में आपको मस्जिद में बुलाया गया है, और जिन लोगों ने भी ये मदद किया है उनके लिए भी आप दुआ करें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, कबूल फरमाए, बकिया जिंदगी आफियत से गुजार दे। रेहाना बानो रिहाना बनो, रिहाना आओ आओ
जल्दी बुला ले सलमा बानो। कौन सलमा बानो? आपका नाम रेहाना बानो है। आपके घर में कोई मर्द नहीं है? मर्द कहाँ है? मर्द आओ जी यहाँ सामने। वो आए हुए आओ, अगर आप भी आ जाओ। ये आपकी बीवी है, अकाउंट इनके नाम से। आपके पास अकाउंट नहीं है। आप क्या काम करते हैं? रेशम का धंधा करते हैं। आपका भी पूरा मकान खत्म हो गया, कहीं दूसरी जगह मकान देखा किराए पर? ठीक है, ये 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं, आप इसे एडवांस में दे दें और मकान ले लें। हम पूरा 25 देने की जरूरत नहीं है, जितना आपकी ओनर की बात हो जाए उतने में मकान ले लें। अगर उन्होंने 15-20 भी बोले तो 15 दिया लो। उसके बाद भी इमाम साहब से राबता रखें। हमने फैसला किया है, हजरत मौलाना अरशद साहब ने जमीतुलमा कर्नाटक को ये हुक्म दिया है कि आइंदा 2-3 महीने का किराया भी आप लोगों को दिया जाए, मगर शर्त है कि आप इमाम साहब से राबता रखें। आप लोग दुआ करें, मेहनत करें। बच्चे हैं आपको, पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ, उन बच्चों को पढ़ाएं। अल्लाह ताला जिसमें पानी पढ़ो, पानी पढ़ना नहीं इसको। नुसरत बोलना, नुसरत द्वार के सब बैठो यहाँ से। नुसरत हाँ जल्दी हम आ जाए। आपके साथ कोई मर्द नहीं है? आपके घर में कोई मर्द नहीं है? बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं? पढ़ नहीं रहे। क्या कर रहे हैं बच्चे? आ जाओ बेटा। और दूसरा बच्चा कौन है? मेरे पास आ जाओ। और दूसरा बच्चा कौन है? अच्छा, एक बच्ची एक बच्चा। क्या नाम तुम्हारा? सुहैल। क्या काम करते हो? ज्यादा बड़ी काम करते हो, तुम्हारा भी खत्म हो गया। अपनी की खिदमत करते हो? हमने बड़ी मजबूरी में औरतों को यहाँ बुलाया है, क्योंकि सबको पहचानना, सबको चेक देना, सब तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब इतनी मदद तुम्हारी हो रही, तुम भी जवान हो, जरा खिदमत करो सबकी। तलाश करके ऐसा मकान ले लो कि अम्मा को आराम मिले। उसके बाद इमाम साहब से रब्ता रखो, नमाज को आते रहो। इंशाल्लाह 2-3 महीने का किराया भी दिया जाएगा। नौजवान हो, मेहनत करो कि अल्लाह रसी में बरकत देगा, तरक्की कर जाओगे। मैं आपकी अम्मी को देता हूँ कबूल कर। अल्लाह ताला मदद कर। आपके अब्बा यहाँ के मोहसिन थे, नाना मोहसिन थे। अल्लाह ताला इन आपके वालिदा इनके नाना। ये देखिए इमाम साहब, आप बता रहे हैं ये जबान से माजूर है। जी जी, हमारे इमाम साहब ने इनकी रहबरी किया, ये जबान से माजूर है। इनकी बीवी का अकाउंट है, इनका मकान भी तबाह हो गया था, ये जमाने से किराए पे थे, अब तक इनका अपना जाती मकान नहीं है। अल्लाह हजरत मौलाना अरशद साहब को, कर्नाटक के जिम्मेदारों, जमीतुलमा के मुआमिनीन को अजर अता फरमाए। उन्होंने ऐसे ऐसे मुस्तहिकीन को ढूंढ के निकाल के इनकी मदद किया। ये 25,000 रुपए का चेक है इमाम साहब, आप बता दीजिएगा इनकी अहलिया के अकाउंट में है। ये लेकर के घर तलाश कर लें, घर में चले जाए। आप बाद में भी इनकी निगरानी कीजिएगा, 2-3 महीने का किराए भी जमीतुलमा इनको देगी। अल्लाह कबूल फरमाए। ले जाए। क्या नाम है इनका? तहसीना। तहसीना की शोर है। हो गया, बैठ जाओ। ये चांद बादशाह साहब का कारण नहीं आया, पहले इनके घर का सर्वे हमने किया था। आप कल मौलाना दुर्रा साहब से मिलो, आप भी 25,000 का चेक करके आए। हाँ, ये चांद बादशाह साहब है, इनके किराए पर है, इनका मकान भी खत्म हो गया है बिल्कुल। हमने खुद जाकर के देखा था, मैंने खुद इनका घर जाकर के देखा था पूरा। मैंने इनसे वादा किया था, पर्चा लिख के भी दिया था, वो ये दफ्तर में नहीं आ सके सुबह और अपने रिकॉर्ड नहीं जमा कर सके। आज इनका चेक जारी नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के सामने अल्लाह के घर में वादा करता हूँ, मौलाना अब्दुल रज्जाक साहब इंशाल्लाह इनका रिकॉर्ड मुकम्मल करके इनको भी 25,000 रुपए का चेक दे देंगे। आप एक घर ले लो किराए का, और अगर आप रब्ता रखोगे तो आइंदा आपको 2-3 महीने की किराए की भी मदद की जाएगी। आपका नाम चांद बादशाह है ना, मुझे याद है ना, पहले आपके ही घर में आया था। अल्लाह आपकी मदद करे। आप तुम्हें नंबर दे दो, तुम्हारा नंबर देखो, कागजात जमा करो। अब्दुल रज़ाक से बात कर लेता हूँ।
देखिए भाई ये मौका तो किसी बात बयान का नहीं है, बल्कि ये मुसीबत आई हुई है और अल्लाह का शुक्र है आपके शहर में बहुत से लोग खिदमत में लगे हुए हैं। हजरत मौलाना अरशद साहब दामत बरकातहू जो दिल्ली में रहते हैं, जब तुलबा हिंद के सदर है, उनको जब रिपोर्ट की गई यहाँ की कि आपके गांव का सैलाब पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया, तो हजरत ने हुक्म दिया कि आप लोग वहां जाकर के काम करो। हमने आपके यहाँ सर्वे किया, हम खुद कई घरों में गए और उसमें हालात मालूम करके ये अंदाजा लगाया कि अगर 10-20 हजार रुपए घर का एडवांस दे दिया जाए तो लोग अपने अपने घरों में मुंतकिल हो सकते हैं किराए का मकान में। हमारे अब तक जो हमने सर्वे किया, हमारे सर्वे में 22 मकानात निकले जिनके मकान खत्म हो चुके हैं और वो किराए पे थे। आज 22 को हमने आज 25-25 हजार रुपए की चेक जारी कर दिया है और ये भी मशवरा हुआ है कि आइंदा आप लोगों को 2-3 महीने का किराया, जैसी आपकी हालत होगी, जो बहुत ज्यादा गरीब होगी अपने पैर पर नहीं खड़े तो उसको 3 महीना दिया जाएगा, 2 महीना। अगर आप अच्छी हालत में हो गए, खाने कमाने वाले नौजवान लोग हैं, अपना लीजिए, वही किसी गरीब की मदद हो जाएगी। लेकिन हमने मशवरा तो ये किया है कि 2 या 3 महीने का किराए की मदद भी आपको की जाएगी। इसी तरह ऑफिस यहाँ बनी हुई है रिलीफ की, जमीतुलमा की, हजरत मौलाना अरशद साहब की। अगर और भी आपके रिश्तेदारों में, जानने वालों में, महल्ले वालों में हकदार है, ऐसा नहीं कि अब सैलाब आया है लोग लाके दे रहे हैं तो पहुंच जाए, अगर वाकई मुस्तहिक है और वाकई उनका नुकसान हुआ है तो आप उनकी रहबरी कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग उनकी भी अपनी ताकत पर मदद करें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस मस्जिद के जिम्मेदारों ने बहुत साथ दिया, इमाम साहब ने साथ दिया और हमने पहुंचाया। हमको दूसरी मस्जिद भी जाना है, वहां महल्ले में कुछ हमको तकसीम करना है, अल्लाह ताला मदद करे। मौलाना इब्राहिम साहब कुछ फरमाना चाहते हो? जी अमीर जानशीन शेखुल इस्लाम हजरत अकदस मौलाना अरशद मदनी साहब दावत बरकातहू के हुक्म पर हजरत अकदस मुफ्ती मासूम साकिब साहब दावत बरकातहू हमारे शहर रामनगरम के सैलाब जदा इलाके के मुआयने के लिए तशरीफ लाए और हजरत ने घर घर जाकर लोगों के अहवाल पूछे और हम सब के कांधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने मस्जिद में खिताब भी फरमाया, सब महल्ले वालों को तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद इस इलाके के लोगों को बहुत सारा राशन और जो किराए के मकान में रहते थे उनके मकान बिल्कुल खत्म हो गए, जमीन बोस हो गए, उनको फिर से किराए के मकान के लिए 25-25 हजार रुपए के चेक सभी हजरात को दिए गए। मैं हजरत अकदस मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हजरत को सेहत कामिला नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हजरत का साया हम सब पर और पूरे मुल्क पर, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर कादिर कायम दाइम रखे, अल्लाह ताला तमाम जमीयत उलमाए हिंद के कारगुनान जिम्मेदारान को जजाए खैर अता फरमाए कि बरवक्त आकर उन्होंने हमारे इलाके का जायजा लिया और हम सब की हिम्मत बांधी और हम सबको तसल्ली दी। अल्लाह पाक अम्मा मायम फाउना स्वयं कुफार स्वयं कुफिलार का मिसदाक बनाए। अल्लाह ताला हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू की उम्र में बरकत अता फरमाए। वाकिन दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम महल्ले वालों के इलाके वालों की तरफ से और तमाम इन जिनको इमदाद दी गई उन सब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें जो है खिदमत की तौफीक अता फरमाई और जमीयतुल उलमा का शुरू से भी यही मकसद रहा है कि जो भी मजलूम है, परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, उसकी मदद की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह राशन भी तकसीम किया गया और जो है कपड़े और दीगर जरूरत का सामान भी दिया गया और अब इस वक्त जो है जो मकान किराए गए थे, किराए के मकान में रह रहे थे, पूरा मकान मुनहदिम हो गया, सामान जाया हो गया, अब वो परेशान हाल थे, नए मकान दूसरा मकान ले तो कैसे ले, तो हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब मददुल आली ने हमें हुक्म दिया कि आप उन लोगों के एडवांस के लिए और जन महीनों की किराए का इंतजाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई और बेंगलोर के बहुत सारे मुखय्यर अहबाब ने
ताउन किया और दीगर जगहों से भी मैसूर है, चामराज नगर है और वहाँ के आकार में आवाम ने जो इस तरफ तवज्जो दी और अल्हम्दुलिल्लाह सभी के ताउन से हम स्थापित हुए कि हम आवाम से लेकर जरूरतमंदों को ये मदद कर सके। अल्लाह ताला का एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त यही है कि हमारे बड़ों से अकाबिर से और जमीयत उलमा से बराबर मुंसलिक रहे। जहाँ जहाँ भी ऐसा काम होता है अल्लाह ताला आपको अपने पैरों पर खड़ा करे और आपको इस काबिल बनाए कि आप भी जो है गरीबों की, मोहताजों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद कर सके। इज्जत के ईमान के साथ मैं अपनी जगह देता हूँ। जैसा कि मुफ्ती साहब फरमाया कि हजरत दामत बरकातहुम की एक हुक्म पर तमाम स्टेट के जितने भी जमीयत उलमा के उलमाए इकराम वर्कर जितने भी जमे हैं मस्जिद मस्जिद जाकर अपनी चादरें पकड़कर आप लोगों के लिए कई सौ आदमियों ने काम किया है, तभी जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ये सब यहाँ तक आप तक पहुँचा पा रहे हैं। अल्लाह हर एक को जदाए खैर अदा फरमाए। एक एक का नाम ले तो बहुत लंबी फहरिस्त है। अल्लाह ताला हर एक को जदाए खैर दे। उन्होंने बारिश नहीं देखा अपने कारोबार को छोड़कर हर एक मस्जिद के जगह जाए उसने ऐलानात किया और मेहनत की जमा करके आप लोगों के लिए नाम भेजा है। अल्लाह ताला जाने कौन, हम जानते भी नहीं इतने लोग ऐसे कहाँ कहाँ से मेहनत करके भेजा। अल्लाह सबको منظر मदीने से यूं ही नहीं मेरे
न कैसे खींचूं
तो चाहता है कि दिल तक यहाँ के अवाम साहब से, सदर साहब से, सेक्रेटरी साहब से महल के हालात सुने जाए, लेकिन हम कई दिन से थके हुए हैं और हमको और हमारी टीम को फौरन बिल्कुल वापस होना है, इसलिए हम असल काम जो है वो कर देना चाहते हैं, यानी जो सर्वे हुआ है यहाँ के नुकसान का सैलाब है, उसमें ये बात अव्वल तरजीह में सामने आई है कि गरीब मुसलमान किराए के मकानों में रहते थे और रेशम के कारखानों में काम करते थे, और नुकसान भी दोनों तीनों महीनों में मुसलमानों का ही ज़्यादा हुआ है। जमीतुलमा गैर मुस्लिमों को भी इमदाद करती है, हम किसी की मदद करने में उसका मजाक नहीं पूछते। हमारे बुजुर्गों ने मिले किसी जात पात दीन धर्म के तकलीफ के इंसानों की खिदमत किया है, मगर यहाँ की सूरत हाल यह है कि एक तरफा हमारे लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनका भी हुआ है, हम उनकी भी खिदमत कर रहे हैं, उनकी भी फहरिस्त बना रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लेकिन जो किराए पर ज़्यादा थे वो गरीब मुसलमान थे, रेशम का काम करते थे, उनका घर गिर जाने से और वहाँ पानी आ जाने से वो बेघर हो गए हैं, लिहाजा यहाँ के 20,000 होता है। अगर मुस्तहिक लोगों को एडवांस की रकम दे दी जाए तो दूसरे महीने में कहीं उसी मेयार का मकान ले करके और ज़िंदगी वहाँ शुरू कर सकते हैं। अल्लाह ने ईमान में, इस्लाम में बड़ी तासीर रखी है और हमारी कौम को अल्लाह ताला ने नबी पाक के सदक़े से बड़ा हौसला बख्शा है, बगैर साजो सामान की हमारी कौम खड़ी होती है और दूसरों की भी मदद करती है। ये सब कुछ सदका है हमारे बुजुर्गों का, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का। इसलिए सैलाब हो, तबाही हो, सुनामी हो, मुसीबतें हो, फसादात हो, हर एक के बाद मुसलमान पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, अल्लाह उसकी नुसरत और मदद। इसलिए हमने तय किया मशवरे से कि एक घर के लिए 25,000 रुपया एडवांस की रकम दी जाएगी, और आइंदा अगर इस मस्जिद के जिम्मेदारान जिनको हम आज दे रहे हैं उनके बारे में मुनासिब समझेंगे तो जमीतुलमा कर्नाटक उनको 2-3 महीने का किराया भी देगी। ये जमीयत का फैसला है। हजरत मौलाना अरशद साहब दामत बरकातहू जो इस वक्त देवबंद में है और हजरत को यहाँ की कारगुजारी जनरल सेक्रेटरी महबूबुल्लाह अमीन साहब ने और सदर मोहतरम मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने भेजा था, फिर मैंने भी आकर के देखा तो हजरत ने कहा कि घर का एडवांस जमीतुलमा की तरफ से दे दो। हमारा सर्वे जारी है, आज हमने 22 चेक तैयार किए थे 25,000 के, 16 उस मस्जिद में तकसीम किया और 6 आपके महीने में दे रहे हैं। ये सिलसिला जारी है। आप हजरात और यहाँ के इमाम साहब, मुबल्ली साहब, मुअज्जिन साहब, महल्ले के लोग, आपने बड़ी खिदमत किया, बहुत आपने हमको इज्जत दिया, बड़ा इकराम किया, हमारा बड़ा साथ दिया। हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी आपकी ये मदद हमारे साथ जारी रहेगी, क्योंकि आपके तआवुन के बगैर हम मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँच पाएंगे। हम आपके जरिए से ही उन मुस्तहिक तक पहुँचना चाहते हैं और उन पर खर्च करना चाहते हैं। जमीतुलमा का गरीब मुसलमानों की जमात है और उन्हीं के चंदे से चलती है। हमारे मुद्दाम ने, हमारे असला के लोगों ने अपनी अपनी मस्जिदों में यहाँ के सैलाब के लिए चादर पकड़ी, अपील किया, लोगों ने डाला पैसे, गरीबों की इमदाद ज्यादा आती है तो उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। घरों के सामान के लिए भी इंतजाम हुआ है, वहाँ ऑफिस खुली हुई है, मौलाना अब्दुल रज्जाक साहब वहाँ मुस्तकिल रह रहे हैं, और जिसकी आप सिफारिश करना चाहें, जिसको आप मुस्तहिक समझें, हमारी ऑफिस पे भेज दें, उनको हम घर की चीज़ें भी दे रहे हैं। आज हमने तकसीम किया असर के बाद, हर घर के लिए 2 निहाली, 2 तकिया, चादर, कंबल, चावल 30-40 किलो, मर्दाना लिबास, जनाना लिबास, बच्चों के लिबास, स्कूल के जूते, साबुन, पाउडर, बिस्किट, ये सब चीज़ें हमको मुसलमान देते हैं जमीतुलमा भरोसा करके, और हमने आज असर से मगरिब तक वहाँ तकसीम किया। लेकिन ये सिलसिला कई दिन जारी रहेगा। हमने ज़ियाउल्लाह बलाक की मस्जिद में भी ये कहा था कि जमीतुलमा का तरीका है कि जिस शहर में वो पहुँचती है और हालात ख़राब रहते हैं तो जब तक वहाँ के लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी पर वापस ना आ जाए और शहर जारी ना हो जाए, मामूलात ज़िंदगी बहाल ना हो जाए, हमारे खेमे नहीं जाते, हमारे 2-4 काम रहेंगे और आपके मशवरे से ये खिदमत जारी रखेंगे। आप हम उम्मीद करते जैसे अब तक आपने हमारा तआवुन किया आइंदा भी करेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एक नाम पुकारते रहें। मैं अपनी ख्वातीन से भी माजरत करता हूँ, चूँकि महल्ला सैलाब ज़दा है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, मस्जिद से बेहतर और कोई टुकड़ा नहीं है, मस्जिद खैरुल बका कहा गई है, इसलिए हमने आपको मस्जिद में आने की ज़हमत दिया, क्योंकि आप ये समझ सकती हैं कि शहर में जो तबाही फैली है उसमें ये पहचानना कि कौन ओनर है, कौन किराएदार है,
हजरत मौलाना अरशद साहब जो दिल्ली में रहते हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर है, यहाँ के सारे हालात उनके सामने रखे गए थे। उन्होंने फैसला किया कि तुम जाकर के जमीयत उलमा कर्नाटक के बजट से 25,000 रुपया घर का एडवांस दे दो। ये 25 आप उठा करके ओनर को देने की जरूरत नहीं है। अगर और कम में मिलता है तो आप कम में घर ले लें, बकिया पैसा आप इस्तेमाल कर लें। हमने आपको मालिक बना दिया है और हम इसके बाद 2-3 महीने का किराया भी आपको देंगे। शर्त है कि आप यहाँ के इमाम साहब, मुतवल्ली साहब, सदर साहब से अपने हालात बताती रहे। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। इसमें डालने रास्ता तो काशिफा बानो। ये इस वक्त मुसीबत का वक्त है, अल्लाह ताला आज आसान है। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपके कारोबार को, रोजगार को अल्लाह ताला अच्छा करे। जमीयत उलमा इनकी तरफ से, जमीयत उलमा कर्नाटक ने 25,000 रुपया आपको इसलिए दिया है कि आप अपने घर का एडवांस दे दें और उस घर में मुंतकिल हो जाए। इससे कम में अगर घर मिलता है तो आप बकिया पैसा अपने काम में इस्तेमाल कर लें। हम इसके बाद इंशाल्लाह 2-3 महीने का किराया भी देंगे। अपने हालात आप इस मस्जिद के जिम्मेदारों को बताते रहे, अगर आपको जरूरत है तो हम आपकी किराए की मदद भी 2-3 महीना करेंगे। अल्लाह ताला मदद। अकाउंट पे नहीं, अकाउंट में डाला। शाहीन शाहीन का, शाहीन का। हाँ हाँ करे तू। हाँ हाँ आपके घर में कोई मर्द नहीं है कमाने वाले हैं, अल्लाह ताला मदद करे उनकी। आपकी गुर्बत अल्लाह दूर फरमाए, राहत फरमाए। जो बात मैंने पहले दोनों बहनों से कही, आपसे भी कहता हूँ। मौलाना अरशद साहब ने यहाँ के हालात सुने, जमीयत उलमा कर्नाटक को हजरत ने ये हुक्म दिया कि 25,000 रुपया मकान का एडवांस दे दो और ये तरतीब ब्राह्मण अगर में बनाओ कि घरों का एडवांस तकसीम करो ताकि गरीब लोग किराए का मकान लेके अपने घरों में जा सके। हमने 25,000 की चेक आपको दिया है अकाउंट में। मकान मालिक को पूरे 25 देने की जरूरत नहीं। अगर कम में घर मिलता है तो आप कम में ले रहे, बकिया पैसा आप इस्तेमाल कर ले। हम आपको इसके बाद 2-3 महीने का किराया भी भेजेंगे इंशाल्लाह। शर्त है कि अपने जिम्मेदारों को आप हालात बताती रहिए, हम आपको देंगे इंशाल्लाह। आ जाइए। अभी हमने जो बातें दूसरी बहनों से कही, आपसे भी कहते हैं, हम बहुत शर्मिंदा है कि आपको मस्जिद में तकलीफ दिया, क्योंकि महल्ले के हालात खड़े होने के लायक नहीं है। इसमें 25,000 रुपया है चेक में, आपके अकाउंट में ये पैसा पहुंच गया है। आप ले लीजिए और घर का एडवांस दे के घर ले लीजिए। नमाज रोजे की पाबंदी कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। हम इसके बाद आपको 2-3 महीने का किराया भी देंगे। अगर आपके कारोबार नहीं चल रहा है तो आप यहाँ के जिम्मेदारों को बताइएगा, इनके वास्ते से बिंगलोर वालों को मालूम होगा, वो किराया भी आपको दिया जाएगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपकी परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमाए। शमा दो सर, अकाउंट में डालना है, चेक अकाउंट पे हो, जितने भी चेक है अकाउंट को डालो। शमा दो सर, आ जाइए। हम बहुत माजरत चाहते हैं कि आप लोगों को अपने मस्जिद में बुलाया, चूंकि हालात महल्ले कैसे नहीं वहां खड़े हो। ये 25,000 रुपए का चेक है जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी के हुकुम पर यहाँ के कर्नाटक के जिम्मेदारान आपको दे रहे हैं। आप अपने घर के एडवांस में खर्च कर लीजिए। आप 25,000 की मालिक है, उसके बाद हम आपको 2-3 महीने का किराया भी देंगे। शर्त है कि अपने हालात आप यहाँ के जिम्मेदारों को बता दें, इनके वास्ते से वो पैसा कर्नाटक की जमीयत अदा कर देंगे। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपकी नुसरत करे, इस तकलीफ को अल्लाह ताला दूर करे। ये कवर में रख लो, अकाउंट में डालना। सोच चुके यास्मीन ताज, यास्मीन ताज, यास्मीन ताज। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपकी तकलीफ दूर फरमाए। 25,000 रुपए जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से आपको दिए गए हैं, आप इसे घर के एडवांस में दे दें और 2-3 महीने का किराया भी उसके बाद इंशाल्लाह जमीयत उलमा अदा करेगी। आप मेहनत करें, आपके घर के मर्दों से कहें मेहनत मजदूरी करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह ताला गुर्बत दूर फरमाए और आपकी अच्छी जिंदगी अल्लाह ताला आता किराए उनका मकान पूरे तौर से ठीक उनका जाती मकान था किराए पर। अगर उनको भी एडवांस की रकम दी जाए तो जिंदगी उनकी शुरू हो सकती है। कल 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 सदर साहब से मैं वादा करता हूँ। मौलाना अब्दुर्रज्जाक साहब कहाँ हैं? ये जो सदर साहब है, आप इनके मार्फत से उन मासूर खातून के घर के लिए सर्वे कर लीजिएगा। जो आपके कागजात जमीन है, अकाउंट नंबर, आधार नंबर वगैरह वगैरह, जो आपका जाब्ता है जमीन तलबा का, आप इनसे पूरा कर लीजिएगा और एक चेक आप उनको दे दीजिए। सदर साहब से ठीक है। देखिए मैं आप सबके सामने एक बात कह दूं, महल्ले में नुकसान बहुत हुए हैं,
हमारे मद्देनजर हमारे मद्देनजर है, हम जितने की मदद जिस तरह से भी कर सके करते रहेंगे, आप उसका वास्ता बनते रहिए और आप मुस्तहकीन को चुन चुन करके बताते रहिए। मौलाना अब्दुल रज्जाक साहब यहाँ है, हम घर का सामान भी तकसीम कर रहे हैं, नहालियां भी तकसीम कर रहे हैं, राशन भी तकसीम कर रहे हैं, नकद पैसे भी तकसीम कर रहे हैं और हम घरों का एडवांस भी दे रहे हैं। आप ऐसे मुस्तहकीन की रहबरी कीजिएगा इंशाल्लाह हम खिदमत जी। आपका जाती मकान था? नहीं, ठीक है, कोई हरकत नहीं। आपका खास घर था? नहीं, नहीं, किराए का था, वो इस सैलाब में टूट गया। हम आपको देंगे इंशाल्लाह। आप सदर साहब से मिलिए, हमारे मौलाना अब्दुल रज्जाक साहब है। देखिए अभी हमने आज तक जो सर्वे हुआ था उसमें से हमने आज तक जो सर्वे हुआ था उसमें हमने 22 लोगों को 25-25 हजार का चेक दिया, या आज एक दिन का हमारा खर्चा यही खत्म नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह हम मुस्तहकीन को तलाश करते रहेंगे और उनको उनके किराए घर में पहुंचाएं। अल्लाह के घर में दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको खास घर अता करे, यहाँ का घर भी अल्लाह अच्छा दे और अपने यहाँ घर भी अल्लाह ताला अच्छा दे। आप उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो जमीतुलमा की मदद करते हैं और जमीतुलमा के सदर हजरत मौलाना अरशद साहब के लिए दुआ कीजिए जो अपनी दूर बैठ करके हमारे शहर रामनगर की फिक्र करते हैं। तो आप दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह सर्वे होता रहेगा, आपकी मदद होती रहेगी। अल्लाह मदद फरमा, अल्लाह नुसरत फरमा, अल्लाह इंसानियत से हर तरह का अजाब दूर फरमा, अल्लाह इस मुसीबत से हर इंसान को निजात नसीब फरमा, अल्लाह जो परेशानियां हो रही है तो ही उसमें मददगार है, अल्लाह जो लोग इस साल में खिदमत कर रहे हैं जिस तरह ये खिदमत कर रहे हैं कबूल फरमा, इस मस्जिद के खुदाम को भी कबूल फरमा, महल के खुदाम को कबूल फरमा, जमीतुलमा के खुदाम को कबूल फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने दूर बैठ करके भरोसा करके जमीतुलमा को यह रकम दी है कि हम लोगों में तकसीम कर रहे हैं, अल्लाह उन मुहसिनीन को दारैन में अज्र अता फरमा, या अल्लाह तो हमारे अमाल की तरफ मत देख, अपनी शाने करीमी और रहमत की तरफ देख, या अल्लाह इस वाकये को हमारे लिए इबरत और नसीहत बना दे, हमको आपके सामने झुकने की तौफीक अता फरमा दे, नबी की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, दीन से वाबस्तगी अता फरमा दे, अल्लाह हमारी दीन में अच्छी बना दे, हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, या अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह हम सबकी गुर्बत पर रहम फरमा दे, अल्लाह मुसलमानों में खुशहाल जिंदगी नसीब फरमा दे, या अल्लाह जब तक हम हमारी नस्लें जिंदा रहे ईमान और इस्लाम के साथ जिंदा रहे, दीन पर अमल करने की सारी रुकावटों को दूर फरमा, दीन पर अमल करने के लिए हमको जुरात और हिम्मत नसीब फरमा, सारे हालात को हमारे लिए साजगार फरमा, या अल्लाह दीन को अजमत नसीब फरमा, दीन वालों को अजमत नसीब फरमा, दीन के लिए की जाने वाली हर कोशिश को कामयाब फरमा, दीन के खिलाफ करने वाली हर साजिश को अपने फजल व करम से नाकाम फरमा। या अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रहे, जब आखिरी वक्त हो तो कलमे और ईमान की फौत अता फरमा, अब राशिद की मंजिलें आसान फरमा, साहबों किताब को जन्नत का दाखिला अता फरमा, अपना दीदार जन्नत में नसीब फरमा, जन्नत में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ अता फरमा। हमारी दुआओं को जो हमने पहले किया अब कर रहे हैं आइंदा करेंगे, किसी ने हमसे कह रखा है, किसी को हमसे तवक्को है, हमने उससे वादा कर रखा है, या अल्लाह सारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके और तौफीक से कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है दूर से तशरीफ लाकर हमारे गाँव के हालात जाने और हमारे मोहल्ले के हालात को मद्देनजर रखते हुए जो हजरत ने इमदाद की है हमारे मोहल्ले के गरीब लोगों के लिए, मैं इनको हमारी कमेटी की तरफ से और हमारे मोहल्ले वालों की तरफ से भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे उलमा जो है इसी तरह हमारे कौम की खिदमत करते रहें और जो है हौसला अफजाई करते रहें, और इंशाल्लाह आज तक हुकूमत की तरफ से आज तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। अव्वल जो है हमारे जमात उलमा की तरफ से जो है इमदाद पहुंची, बहुत जमीयत उलमा की तरफ से इमदाद पहुंची, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब से भी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी दूर रहकर यहाँ की
हालात को जाना और यहाँ के हालात को जानने के बाद जो है यहाँ की इमदाद के लिए उलमाए किराम को हमारी खिदमत के लिए भेजा, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।